बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ काम वगैरह किया है कि नहीं? तुम्हें पूछो ना, है बीजेपी से जन्मजात ही, जन्मजात हम बीजेपी के, हमने कभी कहा उसको वोट किया, अपोजिशन करते रहे पक्के वाले। मैं सरकारी नौकर भी रहा हूँ, परंतु मैंने कभी मतलब चैलेंज किया भाई मैं नहीं देने वोट आपको, मैं देने मर दिया, अपोजिशन में ही रहे, अपोजिशन अब हमारी रूलिंग हुआ बीजेपी। मोदी तो मेरे मोहन हैं, कलयुग सतयुग द्वापर के मोहन हैं, कलयुग में मोदी जी हैं। अवतार ले लिए? हाँ अवतार लिए, कोई नहीं पहचान सकता, वो सिर्फ मेरे मन में ये ज्ञान आया है। कई अवतार ऐसे होते हैं वो अपना प्रकट असली रूप नहीं दिखाते होते हैं, वो अवतार वो अपना कार्य करके चले जाते हैं, वो वैसे हैं मोदी जी और योगी जी, वैसे हैं मोदी जी और योगी जी। ऐसे आदमी भारतवर्ष को पता नहीं कितने वर्षों के बाद मिलेंगे, हमारा सौभाग्य है। मैं जेल काटी है राम मंदिर के लिए 90 में, मैं टीचर था उसमें, इन सर्विस जेल काटी है अपने? हाँ जेल काटी है हमने। क्यों वहाँ गए थे आप लोग? गए थे हम हुए मुरादाबाद में, कहा तो कोई दिल्ली से आ गया था मुरादाबाद, तो वहाँ पहुँच नहीं थे आप पूरा? ना नहीं पहुँच सके ना, पहली बार में पता नहीं था, बताते थे ये पुलिस वाले जो धर्म हो सकते थे ना, उसमें मुलायम सिंह थे हम जालिम बहन जो, उसमें कुत्ता था उसने हमारे साधु आदमियों सेवा करने वालों को बहन जो मिलिट्री वालों ने पुलिस वालों ने निकाल के दे, वो तो राम गुण गाते आएंगे, हम कैसे चलाएं उनके गोल। फिर मैंने सुना वो दक्षिण भारत के गुंडे बुलाए उसने, उनसे मुलाया बोरियों में भरते थे और सरयू के पुल के ऊपर से नीचे फेंक देते थे सरयू में, ऐसे मुलाए कहीं को गोली, हम तो वही नहीं भगवान की छत बच गए। तो ये आप लोगों ने देखा था अपनी आंखों से? हम तो हम ये सुनी सुनाई बातें थी, सुनी सुनाई और असली थी वो, ऐसी नहीं थी भाई मनगढ़ंत नहीं, असली बातें हुई थी, ऐसा ऐसा होता था। तो कितने वर्ष आपने जेल काटी वहाँ पर? मुरादाबाद में हम हफ्ता के 10 दिन रहे, 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, 3 मंजिला उसमें लगती थी, शाखाएँ भजन कीर्तन सुबह उठ जाना नारे सब कुछ होता था ऐसा। ये बताएं कांग्रेस कह रही है कि महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, कमर टूट गई लोगों की, इनको पूछना सारो तुम्हारे मौके में कौन से सस्ते था भाई सब कुछ, तुमने तो देश खाया, तुम आप बोलते अब तो दुनिया बढ़ गई, अब वहाँ से देखो जो स्कूल की पाठशाला लगती है ना उस पर टेलीविजन में वहाँ देखो महंगाई इंडिया में सबसे डाउन है, जिनकी आपत्ति वो डाउन चल गया इंडिया आप हो गई है, वो बताता है सारा वहाँ देखा करो, ये जानबूझ के बदनाम करने को बोलते हैं ऐसा, इन पता तो है इनको व्यास व्यवस्था में 5वां नंबर आ गया, वो फूट तुम्हारी आँखें फूट गई भाई, ये दिमाग के पागल हो गए तुम अंधे हो, तो वो अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आ जाती है, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया वो सारे पीछे कर दिए इंडिया उन्होंने मोदी के समय में हुआ, वो तो कैसे बोलते हैं महंगाई है भाई, महंगाई तो जनता भी बढ़ी है पैसा भी बढ़ा है, उसके अनुसार से कहाँ है महंगाई दुनिया का, वो देखो ले पूरा भी महंगाई है कि नहीं है इंडिया में महंगाई बिल्कुल। कांग्रेस कह रही है कि 70 का तेल था 100 कर दिया, कांग्रेस ने कंग डाली, कंग जानते हैं आप, कांग्रेस ने कंग डाली है देश में साफ, जो असली कांग्रेस थे देशभक्त तो सब मर लिए हैं, अब चोर डाकू आए हैं, इन्होंने अपने नाम में मासू चमचे बेलचे हिजवाए, कांग्रेस ने हमें क्या दिया जो असली वो मर गए थे, एग पैग लैग करप्शन और फ्रिक्शन, ये 5 बीमारियां या घोड़े या कैंसर लगा दिया इंडिया को, इंडिया के समाज को, अब बोलते हैं महंगाई हो, तुम्हारे बाप नहीं, तुम्हारे बाप भी है तो नहीं आप सस्ता कर सकते जितना मोदी ने कर दिया। कांग्रेस कह रहे कि हमारे ज़माने में सिलेंडर 400 रुपये था, आज 1100 के पार हो गया, तो महंगाई महंगाई तो हुई है, महंगाई हुई तो वैसे पैसे ही बढ़े हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ी है मुलाजमों की, तो कैसे महंगाई फिर कांग्रेस तो ये मेरे लिए तो कोई नहीं, मैं सुनो मैंने फर्स्ट जो पेंशन ली थी वो थी 6020, आज उसका 8 गुना है मेरे को मिलती, कहाँ है महंगाई मेरे को। कांग्रेस ये भी कह रही है ना कि जितनी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी इन्होंने, अब तो तुमने कितने को दी थी ये पूछो ना, आपने कितने को दी थी भाई, आपने तो अपने नानू मासूर जो आए हैं आम आदमी को जो गरीब आदमी है उसको तो आप पूछते थे, आप बोलते हैं जब वोट आते हैं तब लगे बकवास कर रहे हैं, जब राज में होते तो किसको पूछते नहीं अपने नानू मासूर, यारों दोस्तों हम मनाए उनकी जेबें बचते हैं और खुद की जेबें कह रहे हैं कि हम जब थे तो सड़कें एकदम चकाचक थी, आज गड्ढे पड़े हैं। कांग्रेस कह रही है कि जब हम थे तो सड़कें चकाचक थी, आज गड्ढे पड़े हैं। आप तो थे भाई धनवंतरी, आप घर से लगाते थे ना। मैं ये बताइए आम आदमी पार्टी कह रही है हम आएंगे, केजरीवाल साहब कह रहे हैं,
तो फ्री भी बांटेंगे और जनता का भला करेंगे हम। बाप ने खो दिया टकसाल वहाँ पर ही, वो जेब से देंगे अभी इतना खर्चा जनता को, जनता का भला। बाप ने खो दिया, आप क्यों देता पे तू, क्यों देता पे, अगर इतना धानिया तू तो पे क्यों देता वहाँ, क्यों देता अपने मिनिस्टरों को एम एल ए को पे, अगर इतना धानिया तो मत लो, जो फ्री में सेवा करो तब तो मानेंगे मैं ऐसा करूँगा ऐसा। केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर टैक्स का पैसा, जनता का पैसा हम जनता में बांट रहे हैं तो क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है, मोदी जी 2000 दे रहे हैं किसानों के पास 4 महीने के बाद, तो आपको क्या तकलीफ है, क्यों होती है तकलीफ, फ्री में दे रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं, गैस बांट रहे हैं, बिजली दी, गैस का कनेक्शन दिया, अन्न दे रहे हैं, तो आपको क्यों तकलीफ, जब मोदी की सरकार या मोदी जी दे रहे हैं तो आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है, बोलो उनसे पूछना। ये बताएं केजरीवाल साहब कह रहे हैं इस बार तो हम आएंगे हिमाचल में, दोनों को साफ करेंगे, पटकेंगे बीजेपी को कांग्रेस को, क्या बोलते हैं उसको, मुंगेरी लाल क्या सीन सपने मत लो, यहाँ जूते ही पड़ेंगे आपको, बोलो एक सीट नहीं आएगी कहीं धोखे से, आगे तो आगे नहीं, तो यहाँ सिर्फ दो पानियाँ बीजेपी और कांग्रेस, बाकी का पत्ता साफ। वो तो ट्रक भरकर झाड़ू लेकर आ रहे हैं साफ करने के लिए, घर में लगाओ ना झाड़ू, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ बैठे हैं सब अपने अपने घर को सब साफ करते, आपको जनता साफ कर देगी यहाँ की, ये झाड़ू झूड़ू आपके सिर पर पड़ेगा आकर के। प्रियंका गांधी आके बैठ गई हैं हिमाचल में, प्रियंका भी ऐसे उड़ेगी जैसे वो पत्ता उड़ता ना आवाज से, वैसे उड़ जाएगी कांग्रेस। उधर राहुल गांधी, प्रियंका का है क्या, क्या क्या नॉलेज रखती हो राजनीति के बारे, गरीब के बारे में, क्या वो कल की छोकरी है, ये ठीक है अमीर की, अमीर में पढ़ लिख के गए, अमीर के साथ भी शादी हो गई उसकी, गरीब के बारे में क्या जानती, आओ बोलो हिमाचल में चल। अब तो अध्यक्ष चेंज कर दिया, खड़गे साहब आ गए, नहीं चेंज करने से नहीं मिलेगा कुछ नहीं, वो रिमोट कंट्रोल तो उनके पास है, प्रियंका और राहुल और सोनिया जी की परिवारवाद खत्म कर दिया हमने, वही नाम मात्र को है, हाथी के दांत खाने का और दिखाने का, और ये सिस्टम है इन लोगों को, ऐसा किया नहीं, हाथी हाथी खाने तो बोले चल जा पुत्रा सोनी तेरा सा बड़ी, खड़गे जी कर दिया आगे जूते खाने को, और मजा लेंगे खुद अपने आप। उधर राहुल गांधी भी तैयारी में है पूरी, वो ऐसे राहुल कहीं जन्म नहीं है तो अभी यात्रा कर रहे हैं पूरी वो, हाँ मैं देखता हूँ हर रोज देखता हूँ, ऐसे गांधी ऐसे राहुल 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 नहीं आए, ये कांग्रेस के लिए राहु है, राहु राहु है, राहु जाते ना अब ग्रह, उसके लिए कांग्रेस के लिए राहु, अगर कांग्रेस राहु नहीं होता तो साथ कांग्रेस का याद नहीं होता, राहु और प्रियंका नहीं होते ना, और ये सोनिया जी तो शायद बड़े बड़े बैठे हैं अच्छे अच्छे कांग्रेस में ना, उनको चलने देते वो। विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी के लिए राहु हैं 24 में, तो उन्होंने तो ऐसा बकना ना, क्योंकि उनको चाहिए वोट, दुनिया को कैसे बेग बनाए वोटर को, तो वोटर पढ़ा लिखा हो ना आप मारो मक्खियाँ। एक बात कांग्रेसी भी ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले ना मोदी जी के डिक्शनरी में दो वर्ड थे, एक बेरोजगारी और एक महंगाई, और अब वो डिक्शनरी कहीं गुम हो गई है, वो समाज के अनुसार गुम हो जाते हैं, उसका आपके पास कोई हल नहीं, आप बैठे तो आपकी डिक्शनरी काम हो जाएंगे, काम हो जाएंगे समाज के अनुसार, आप भी ऐसे बोल करेंगे फिर ये बताएं बीजेपी आ रही है यहाँ पर हिमाचल में? बिल्कुल आएगी, भगवान का मैं तो तपस्या करता हूँ, कर रहा हूँ, मोदी की जगह मोदी और योगी जगह योगी और राम की जगह राम, जय राम जी, यही आएंगे। एक बात एक प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है, आपने पहले कहा कि मोदी जी हमारे लिए भगवान है, रूप है वो, ठीक है, ये बताएं बेरोजगारी महंगाई और तमाम जैसे मुद्दे उन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो फिर? मैंने कहा भगवान है तो, हाँ भगवान देखो, भगवान भी तीन लोग या ब्रह्मांड है उनके पास, वो सब को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो है हमारे कर्मों का फल, खरे और बुरे कर्मों का फल होता है, जो इसने अच्छे कर्म किए तो सुख मिलता है, जिसने बुरे कर्म किए उसको दुख मिलता है, ये कोई आ जाए अवतार भी आ जाए राहुल तो राहुल क्या, कोई आ जाए कोई सोनिया प्रियंका, ये तो ऐसे उड़ जाएंगे, ये कोई नहीं कंट्रोल कर सकता इस महंगाई को, कोई सरकार आएगी जूते ही खाएगी महंगाई और बेरोजगारी के बारे में, कोई नहीं कर सकता इसको, क्योंकि यानी आप बीजेपी रिपीट करवा रहे हो यहाँ पर? मैं बोलता हूँ मैं तो तपस्या कर रहा हूँ, कब से तपस्या कर रहे हैं आप? सिर्फ आनी चाहिए सिर्फ मोदी जी के लिए, अगले 5 साल चाहे रिपीट हो जाए ना, पर 10 अगले जो अब आ रहे हैं रिपीट हो जाए तब, क्योंकि सेंटर और स्टेट की एक लाइन होनी चाहिए, तब होती है डेवलपमेंट, सेंटर में कोई और बैठा है स्टेट में और बैठा है, वो डेवलपमेंट नहीं होती, फिर काय को मरना, हमारा हिमाचल तो पहले ही पहाड़ी इलाका है,
अब सरकार से हेल्प नहीं आएगी, एक सरकार जो कांग्रेस नहीं देती, अगर बीजेपी का राज सेंटर में यूपी है तो कांग्रेस भी तो यही कह रही है, तो ऐसे छुनछुने में जाती है। कांग्रेस भी तो यही कह रही है कि 2024 में हम आ रहे हैं, आप यहाँ बनाओ सरकार हमारी। उस मुंगेरी लाल के सपने ले 24 में भी साफ होंगे, 20-50 पिछले का चुतवाई आई थी, 40 में नहीं आएंगे 24 में जाके, मुश्किल से गोडे लगेंगे तब आएंगे 40 सीटें भी, ऐसे नहीं आएंगे। क्योंकि मोदी तो अवतार है, दुनिया जान गई ये अवतार है भाई, चोरों को कौन मानता है, कौन चोरों को कौन देगा। बताएं आप किस डिपार्टमेंट थे, जॉब कर रहे थे आप? मैं था एजुकेशन में जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है ध्यान सिंह जी। ध्यान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।